अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अभी अभी पटना के एक मशहूर और बदनाम ज़माना शख्स की वीडियो आई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जिसको खान सिड़ कहा जाता है। खान सिड़ की ये वीडियो और उसकी छोटी सी क्लिप आप भी देखिए। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे। इस्लाम बाहर में गया पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, दूसरा जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा, वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि जो फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है, महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहे पर खड़ा करके पत्थर से कुछ कुछ के मार देता है, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया, दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए, अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़ोगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान का टाके फेंका जाएगा लोग अगर इस्लामी कानून लगा दीजिए, तो बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया वहाँ। इसमें खान सिड़ ये कह रहा है कि मुसलमानों को अपनी शरीयत का लॉ चाहिए, लेकिन क्रिमिनल कोड में वो अपनी शरीयत का लॉ पसंद नहीं करते और क्रिमिनल कोड में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही मानते हैं। इस देश में मुसलमानों को सिर्फ अपनी सहूलत का कानून चाहिए, सिविल कोड में चूँकि उनको सहूलत है और उसमें किसी तरह की उनको परेशानी नहीं है, इसलिए सिविल कोड में उन्हें शरीयत का लॉ चाहिए। आप देख सकते हैं कि खान सिड़ इस वीडियो में मुसलमानों का मजाक उड़ाता हुआ नज़र आ रहा है और ठट्ठा करता हुआ नज़र आ रहा है। इस क्लिप को कुछ न्यूज़ चैनल्स वालों ने भी चलाया है, हालांकि ये मुकम्मल क्लिप खान सिड़ की जहालत पर मबनी है और खान सिड़ की ये खसूसियत है, जो कुछ भी मैंने आज तक खान सिड़ को पढ़ाते हुए देखा है वो उसमें अधूरी मालूमात देता है, यानी मुकम्मल उसको ख़ुद इल्म नहीं होता, जिस टॉपिक का मुकम्मल इल्म नहीं होता वो उस टॉपिक को पढ़ाता है और उसमें अधूरी जानकारी देकर स्टूडेंट्स को छोड़ देता है, ख़ासकर इस्लामिक टॉपिक्स पर और इस्लामी मालूमात पर, इस्लामिक स्टडीज़ पर उसकी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो बिल्कुल अधूरी मालूमात होती हैं, नाकिस मालूमात होती हैं जो वो स्टूडेंट्स को बताता है। दूसरी खसूसियत खान सिड़ की ये है कि वो एक जुमला भी सही नहीं बोलता, उसकी ज़ुबान सही नहीं है, चाहे आप हिंदी ग्रामर के हिसाब से देख लें या उर्दू कवायद के हिसाब से देख लें, एक जुमला भी वो सही नहीं बोलता, उसकी ज़ुबान में मुकम्मल जाहिलपन नज़र आता है। खान सिड़ की कोई 2 मिनट की वीडियो मुझे भेजे जिसमें उसने तमाम जुमलों को सही अदा किया हो, हालांकि बहुत से टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनमें से एक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, दृष्टि वाले, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके सेंटेंस उनके जुमले बिल्कुल जचे तुले होते हैं और बहुत अच्छी उर्दू बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं वो, और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, जिस टॉपिक पर पढ़ाते हैं मुकम्मल मालूमात देते हैं। वहीं ये खान सिड़ जो इतना मशहूर हो गया है, ना तो इसकी वीडियोस में मुकम्मल मालूमात होती है, इसको ख़ुद नहीं पता क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, उल्टा सीधा बस बीच बीच में उल्टे सीधे चुटकुले छोड़ने हैं, कभी लड़कियों पर चुटकुले छोड़ता रहता है, कभी किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बोलता है, मतलब एक सनकी टीचर नहीं होता है उस तरह से ये पढ़ाता है, ये इसकी खसूसियात है। और IQ लेवल तो इसका इतना कम है, कॉमन सेंस जैसा कि इसके अंदर हो ही ना, क्या बोलना है क्यों बोलना है कैसे बोलना है कुछ नहीं पता, तो ये खान सिड़ की खसूसियात है। अगर उसे मालूम होता कि मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों नहीं तस्लीम करते और मुसलमानों ने क्रिमिनल कोड को क्यों तस्लीम कर रखा है, तो शायद वो इस तरह की बातें ना करता। असल मामला ये है कि जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत थी, 800 साल 900 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, तो वो मुकम्मल तौर पर अपनी शरीयत के लॉ को मानते थे, क्रिमिनल कोड हो सिविल कोड हो, सिविल मामलात हो क्रिमिनल केसेस हो, हर मामले में मुसलमान यहाँ पर शरीयत को फॉलो करते थे। काजी के पास मुकदमा जाता था और वो शरीयत की रोशनी में कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला सादिर करता था, लेकिन जब अंग्रेज़ों का यहाँ तसल्लुत हो गया, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, तो उसने सबसे पहले क्रिमिनल मामलात में सबके पर्सनल लॉज को ख़त्म कर दिया और सबके लिए
एक जैसे कानून बना दिए। फिर उसने पर्सनल लॉज में इंटरफेयर की कोशिश की अंग्रेज़ों ने। पर्सनल लॉज चूँकि घरेलू मामलात हैं, आइली मसाइल हैं, हर किसी का इससे साबका पड़ता है। हर कोई तो क्राइम नहीं करता, हर कोई जुर्म नहीं करता, हर कोई चोरी नहीं करता, हर कोई शराब नहीं पीता, यानी क्रिमिनल मामलात में हर आदमी मुलव्वस नहीं होता है। लेकिन जो सिविल मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, वो तो हर किसी के साथ हैं। शादी हर किसी को करनी है, विरासत हर किसी को देनी है, वसीयत हर किसी को करनी है। तो जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने पर्सनल लॉज पर हमला किया और पर्सनल लॉज को ख़त्म करने की कोशिश की, तो तमाम मुसलमानों ने उसकी मुखालफत की। एक एहतजाज हुआ, आंदोलन हुआ, तो अंग्रेज़ पीछे हट गए और उन्होंने 1937 में शरीयत एक्ट पास किया कि मुसलमान अपने पर्सनल लॉज में अपनी शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे और उनके जो फैसले होंगे पर्सनल लॉज के, वो शरीयत के मुताबिक होंगे। यानी जज भी अगर फैसला करेगा तो मुसलमानों की शरीयत के मुताबिक फैसला करेगा। तो ये एक आंदोलन के बाद अंग्रेज़ भी हमारे पर्सनल लॉज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एहतजाज हुआ, आंदोलन हुआ, तो अंग्रेज़ भी पीछे हट गए। आज की जो सरकार है ये अंग्रेज़ों की रविश पर चल रही है, अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पर चल रही है, अंग्रेज़ों का पढ़ाया हुआ सबक दोहरा रही है कि ये लोगों के पर्सनल लॉज को ख़त्म कर रही है। हमारे जो घरेलू मसाइल हैं, जो अपने रीति रिवाज हैं, इसको ख़त्म करना गोया के अंग्रेज़ों की चाल चलना है, और इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। न देश का भला होगा, न देशवासियों का भला होगा, न मुल्क की तरक्की में कोई इजाफा होगा। असल मामला यही है कि इस सरकार से देश की तरक्की का कोई काम नहीं हो रहा है। महंगाई नहीं रोक पा रही है सरकार, रोज़गार नहीं दे पा रही है। रोज़ बरोज़ मुल्क में नफ़रत की फ़जा आम होती जा रही है, नफ़रत को नहीं रोक पा रही है। गुंडागर्दी की घटनाएं बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। तो इसलिए इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कतई ज़रूरत नहीं है इस मुल्क में। और आप खान सिड़ की बात सुनिए, वो कह रहा है कि मुसलमान चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। कौन काटेगा हाथ? हाथ काटने का इख्तियार किसे होगा? जिन जगहों पर मुकम्मल शरीयत का लॉ चल रहा है, वहाँ भी क्या जनता खुद से फैसला करती है? क्या आवाम के इख्तियार में है कि वो किसी का भी हाथ काट दे? एक मुनज्जम तरीक़ेकार होता है, अदालत लगती है, काजी बैठता है, गवाह पेश किए जाते हैं, तब जाकर काजी के फैसले के बाद कोई हुक्म सादिर होता है। और ये जाहिलाना तौर पर बता रहा है कि चोरी करे हाथ काट दो, ये करे वो कर दो, बचकाना बातें हैं, जिन बातों का कोई सर पैर नहीं है, उस तरह की बातें ये खान सिड़ करता है। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के टीचर से पढ़ना ही नहीं चाहिए जिसको खुद कुछ ना मालूम हो, जो खुद अधूरी मालूमात लिए फिर रहा हो। ये मुसलमान है, मुनाफिक है, हिंदू है, मुशरिक है, क्या है खुद इसका पता नहीं। मुसलमान तो कम अज़ कम इस तरह की बातें नहीं करेगा, अदना दर्जे का मुसलमान भी इस तरह की बातें नहीं करेगा। वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, कुरान व हदीस के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ वो इस तरह से नहीं बोल सकता है। इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान सिड़ मुसलमान नहीं है, और वो मुसलमान के नाम को बेच कर पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है, शोहरत कमा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है, ये पढ़ने, मुताला करने, स्टडी करने से ताल्लुक़ रखता है। और अब तो सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके फंस गई है, इसलिए कि जो कबायली लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उन लोगों के पर्सनल लॉज पर फ़र्क पड़ रहा है, ईसाइयों के पर्सनल लॉ पे फ़र्क पड़ रहा है, और वो लोग बड़ी शिद्दत के साथ एहतजाज कर रहे हैं, आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। तो अब सरकार के गले की हड्डी बन गई है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, न उगलते बने न निगलते बने। इसलिए शाह जी कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों को इससे अलग रखेंगे, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह जाएगा? असल में ये है कि सरकार की नीयत ख़राब है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ कम्युनिटीज़ को परेशान करने की कोशिश कर रही है, और कुछ कम्युनिटी को परेशान करके, एक बड़े समुदाय को खुश करके वोट लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए कि मुद्दा कोई नहीं है। इन 10 सालों में इस सरकार ने
विकास का कोई काम नहीं किया, रोजगार देने का काम नहीं किया, महंगाई कम करने का काम नहीं किया, बल्कि महंगाई बढ़ती चली गई। पेट्रोल का दाम देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, दाल चावल आटा नमक तेल खाने की चीज़ों पर टैक्स लगा दिया, जुल्म पर जुल्म हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, वारदात बढ़ रही हैं, जराइम बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, इन सब मामलात पर कोई बहस नहीं, कोई डिबेट नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी ज़रूरत नहीं, जिसका चर्चा नहीं, कोई आपसे मांग नहीं रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, खा मखा के मुद्दे ये सरकार उठाती है और जो करने के काम हैं उन कामों को नहीं कर रही है। इसलिए हमें सरकार की नीयत को देखने की ज़रूरत है, इस सरकार को बदलने की ज़रूरत है। इस देश में किस तरह से अमन आश्ती रहे, अमन अमान रहे, सारे लोग खुश रहें, हर कम्युनिटी के लोगों को अपनी आज़ादी हासिल रहे, मज़हबी आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, इस तरह की सोच हमें रखनी चाहिए।